पहले मैं टाइटल है उसके बारे में जानना चाहूँगा कि ये टाइटल अगर आपके मन में आता है वर्ड तो क्या फीलिंग होती है? बताओ। दिन चढ़ता नया दिन, दिन चढ़ गया, मक्खी बैठ गई आगे सर पे, बताओ यार ये दिन चढ़ता। हाँ तो दिन चढ़ता मतलब कि मुझे जो लगता है कि इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि दिन चढ़ गया तो मतलब सब अच्छा हो गया, न्यू डे न्यू स्टार्ट न्यू एनर्जी। किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? काफी कम आज में अच्छे व्यूज आ चुके हैं, किस तरह के रिस्पॉन्स आपको शुरुआत करना, आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही प्यारा। एंड सॉन्ग रिलीज होने के पहले भी एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज ऐसे थोड़ी सी ग्लिम्स डाल देते हैं ना तो उनको बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी। एंड हाँ और अभी जब सॉन्ग रिलीज हो गया है तो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड देयर लाइकिंग आवर केमिस्ट्री और काफ़ी प्यारा रिस्पॉन्स है, जैसा हमें चाहिए उससे भी बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच बताया। भाई गाना बहुत अच्छा है एंड अमूल्य को देख के एक्चुअली मैं सबको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल जो कॉलेज का जो स्टोरी दिखाई है वो खुद भी बिल्कुल कॉलेज है, भी कॉलेज की और लगती भी कॉलेज की है और बहुत फ्रेश है एकदम मार्केट में। शी इज़ वेरी लाइक इन्फ्लुएंसर है, बहुत इन्फ्लुएंशियल भी है, बहुत इन्फ्लुएंसर है ये, बहुत अच्छी इनकी फॉलोइंग है। बट इनको वीडियो में देख के लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है आई बिलीव, क्योंकि शी इज़ लुकिंग वेरी क्यूट वेरी टचवुड माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। एंड मेरे साथ मुझे लगता है मैं भी शायद थोड़ा अच्छा लग रहा हूँ तो इसलिए अच्छा लग रहा है, इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है गाना इसलिए। सो यार भाई फ्रेंडशिप तब बड़ी होती है जब फ्रेंडशिप में लव होता है, तो लव तो होना ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटे का रिश्ता हो, भाई भाई का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, प्यार होना बहुत ज़रूरी है। एंड में था भाई पार्टी में, एंड में था फेयरवेल पार्टी, तो क्या बात कर रहे हो? स्टार्टिंग में वो ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हमने देखा है भाई स्टार्टिंग में था पहले पार्टी का बैनर, वो हाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें, वो बैनर था। अच्छा तो वही देखा है पार्टी में थी की यादें ताजा, कॉलेज में तो ताजा क्या था, यादें चल रही है भाई इनकी, ताजा तो मेरी हुई है यादें। ये कोई ऐसी बात है जो कॉलेज की यादें से ताज़ा नहीं हुई है? मैं खुद अभी कॉलेज में, और फेयरवेल तो मेरे दिल पे चुभता है ना, मुझे स्कूल में मिला था बिकॉज लॉकडाउन हो गया, ना मुझे फ्रेशर्स पार्टी मिली है, जो फेयरवेल था मेरा गाने में था। अभी फेयरवेल लेना जरूरी है क्योंकि पास होके फेयरवेल लेना है ना, अच्छे नंबर होते हैं, अच्छी है पढ़ाई में, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं तो कॉलेज में घुसते ही मेरे को तो पूरा कॉलेज याद आ गया मेरा यार, मैं तो पूरा कॉलेज लाइफ याद आ गई। इतनी मैं कॉलेज में मैंने इतनी क्या बताऊँ क्या बातें क्या 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 किया कॉलेज में यार, सब याद आ गया पूरा सब। क्यों बता दी ना अगर तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी भाई यहाँ से मेरे को, तो इसलिए मैं बताऊँगा नहीं। और मैं आपसे जानना किस तरह की एन्जॉयमेंट की कोई ऐसी मुझे ये है कि कॉलेज में जाकर कॉलेज के सभी बच्चों से मैं मिली ना, उनसे बहुत सारे थे, और क्योंकि वो लोग हॉस्टल से ऐसे कभी घर आ रहे थे तो उनके साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सबसे बुरी बात मेरी और प्यारी बात उनकी ये लगी कि जब मैं अंदर वैनिटी में रेडी हो रही थी तो दे वर वेटिंग आउटसाइड फॉर ऑलमोस्ट हाफ आवर 45 मिनट्स या 1 आवर तो किया होगा वेट कि नहीं हम जाएंगे अभी, बट मैं रेडी हो रही थी, मैं जा नहीं सकती थी बाहर, तो ये बात मेरे को मेरी बुरी लगी, उनकी बहुत क्यूट लगी। बट उन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सपोज अगर वो शूट इनके कॉलेज में हो रहा होता और इनके पेपर चल रहे होते और पेपरों के बीच में टीचर बुलाने आ जाती शूट के बीच में, सोचो कि पेपर देने आओ पहले फिर शूट करना, सोचो अलग सिनेरियो। नहीं कॉलेज में ही शूट हुआ, लाइव लोकेशन थी, बच्चे भी घूम रहे थे अंदर सारे, सब कुछ थे स्टूडेंट्स वगैरह एवरीथिंग, और बहुत मजा आ रहा था देख के मतलब। भाई बस टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अब एक इंसान बहुत सारी जगह पे हो सकता है, तो मैं अभी साउथ अफ्रीका में भी हूँ, मैं गाना भी शूट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे भी हूँ। नहीं मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली पता क्या हुआ कि खतरों के खिलाड़ी की शूट तो पहले खत्म हो गई, उसको तो आई थिंक 2 महीने हो गए खत्म हुए हुए, एंड ये जो सॉन्ग मैंने शूट किया है ये नागिन से पहले था। अभी नागिन की शूट चल रही है तो उसके बीच में दिन एक दिन का भी टाइम मिलता है तो मैं कोई भी कुछ ना कुछ शूट कर लेता हूँ ताकि वो पूरा हो जाए। जैसे आज मेरे को टाइम मिला है अभी जैसे कुछ घंटों का, तो मैं ये पूरा करके फिर मेरे को you know, ऐसे अब यही होता है, फिर ऐसे करना पड़ता है यार बस। लेकिन शुक्र है यार इसी लाइफ के लिए हमेशा भगवान के आगे हाथ जोड़े हैं और आई एम वेरी थैंकफुल। देखा तुमने? हाँ, देखा। सबसे अच्छी बात क्या लगती है एज एन एक्टर, He is very hard working। अपने काम के लिए बहुत डिवोशन, मतलब अपना काम है बहुत डिवोशन से करते हैं, तो वो चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगी और मैं पॉइंट पिक करना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ अच्छे से। नागिन में आपका एक्सपेक्टेशन था कि आप नागिन में काम करोगे, ऑलरेडी आपके और बीजेपी की जो पैरिंग लग रही है काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, उस पैरिंग के बारे में क्या कहना चाहते हो? यार मुझे पता क्या लगता है कि जो चीज़ें होने के चांसेस कम होते हैं ना, उसको देखने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, तो ये इस चीज़ के चांसेस बहुत कम थे कि ऐसा कभी हो सकता है और वो हो गया, तो वो देखने में लोगों को मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर एंड सब हार्ड वर्क करते हैं यार एंड गाना हमारा बहुत अच्छा है दिन चढ़दा और सुपर हिट हो रहा है और सुपर हिट करते हैं। पहली मुलाकात में क्या उन्होंने बताया आपको? एक रिकॉर्ड में हमने देखा था काफी अच्छी आप दोनों की पैरिंग थी, आप दोनों फाइट करते थे, ऊपर नीचे होते रहते, इट्स नॉर्मल, इट्स अ पार्ट। कुछ बताना चाहोगे? यार वो घर ही ऐसा है कि वहाँ पे अगर आप और मैं भी जाएंगे ना तो भाई ऐसा हो सकता है कि आज लड़ लें और कल हम साथ में बैठ के खाना भी खाएंगे, ऐसी बात नहीं है, खाएंगे। ये मैंने डीजे भाई साहब को जानता हूँ, तो भाई ऐसा होगा कि हम साथ में बैठ के खाएंगे भी, लड़ेंगे भी, फिर दोबारा खाएंगे, फिर दोबारा लड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। वो घर थोड़ा ऐसा है कि वहाँ पे हो जाता है सब चीज़ें एंड इट्स नॉर्मल। बाकी हम लोग काम करें साथ में और बहुत मज़ा आता है काम करने में। मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने में, कैमरा के आगे मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं अभी बैठा हूँ एंड आई जस्ट लव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट्स ऑल। एंड प्रतीक, मार्केट में काफ़ी सारी चर्चा चल रही है कि करण कुंद्रा एंड प्रतीक आर गोइंग टू मैरी, आपको कुछ उसके बारे में? करण कुंद्रा एंड प्रतीक आर गोइंग टू मैरी? भाई तुम तो हेडलाइन बना दी, तुमने हेडलाइन बना दी है लेकिन भाई अब मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस इतना बोलूँगा, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहें सब, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें और बस खुश रहें। वो तो काम पे डिपेंड करता है, नहीं क्यों, काम के बिना भी मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है यार, जरूरी थोड़ी ना। ऑन स्क्रीन पूछ रहे हैं आप? ऑन स्क्रीन, अच्छा तो फिर ऑन स्क्रीन आप अभी आपका व्लॉग कितनी देर में अपलोड होगा? थोड़ी देर में ना, तो बस तब नजर आएंगे ना, मेरे साथ नजर आएंगे एक आधे घंटे पौने घंटे बाद सीधा। मैं इतना बोलूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट एंड मतलब दिल्ली से एक लड़का आया था भाई, पूरे बम्बई में पूरे भारत में बवाल मचा दिया तुम लोगों ने मिलके ना। प्रतीक फैम थैंक यू सो मच एंड टीम मूल्य, आप लोग के प्यार के बिना नथिंग। ये छोटा पैकेट नहीं है, ये बड़ा धमाका है एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, गॉड ब्लेस। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें बताएं और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप तो।